अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी, और इधर हमारे इधर रहने वाले परिंदे भी खैरियत आपियत से हैं। दोस्तों यार, मैंने ना इनको आज पहले ही खोल दिया कबूतरों को, ये थोड़ा इंजॉय कर ले। मैंने कहा उड़ाता हूँ, लेकिन अब ये गोल्डन बच्चा पकड़ते हैं, पकड़ लिया मैंने। दे भाई इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ। चलो जी यार, गोल्डन बच्चा तो दे भाई ने उड़ा दिया। चीना कबूतर किधर गया दे भाई? चीना कबूतर वो भी उड़ गया। वो देखो कटी हुई कबूतरी है वो। अच्छा मैंने समझा गोल्डन बच्चा उड़ रहा है, मैं समझा कोई और कबूतर आया। चलो भाई, चलो भाई, सारे कबूतर उधर आओ, सारे 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 सारे। चलो 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 बाहर चलो। ये आ गया हमारा गोल्डन बच्चा। यार इसके साथ कोई उड़ने वाला नहीं है ना, इसकी वजह से ना ये ज़्यादा देर उड़ता नहीं है। इंशाल्लाह इसके साथ और भी कोई तैयार हो जाएगा बच्चा। वो ब्लैक वाला बच्चा है, ये ब्लैक वाला, ये उड़ता है, लेकिन अब ये कमज़ोर है। आहिस्ता आहिस्ता फ्लाइंग करेगा, फ्लाई उड़ना शुरू कर देगा। दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है और हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ है। वो सरप्राइज़ ये है कि हम सेटअप पर आए, हमें आते साथ देखा है कि गोल्डन पफ मुर्गी ने ना हमारी ने अंडा दे दिया। ये देखो माशाल्लाह जेब भाई, इसने ये थालो जेब भाई, थालो थालो इसको कबूतर के नीचे रखेंगे, इनक्यूबेटर में रखेंगे। यार माशाल्लाह हमारी गोल्डन ओ कितने देती है जेब भाई अंडा? ये तो कितने अंडे देती है? सॉरी ये देती है 10-12 अंडे दे के कुड़क पे बैठ जाती है। ये ज्यादा देती है, देखते हैं कितने देती है। अभी तो इसने पहली दफा अंडा दिया है और अभी यार ये तो सरप्राइज ही मिल गया हमें। इसको सेव कर देते हैं, इसमें से और गोल्डन पफ निकलवाएंगे हम इंशाल्लाह। और यार छोटे डॉन की फीमेल जो है ना, वो नहीं अंडा यार दे रही। वो क्यों नहीं अंडा दे रही, मुझे समझ नहीं लग रही। छोटे डॉन की फीमेल मगर छोटे डॉन को तो कितने देर फीमेल जो बैठी है ब्राउन वाली, मुझे लगता है उससे अंडा देना है। अगर वो अंडा दे देती है ना, इसके नीचे हम गोल्डन पफ का अंडा रख देंगे। ये वाली मुर्गी ओ कबूतरी, सॉरी ये कबूतरी जो बैठी हुई है। हाँ यार ये तो पैर मैंने अंदर ही, इनको अंदर ही बंद कर दिया था। बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसको इधर ही बंद कर दिया। और साथ ही मैंने ना थोड़ी इधर पराली फेंक दी है ताकि ये उठा के अपने ना खाने में रख लें। इन्होंने देख लें, दो ये एक और ये दो, थोड़ी सी पराली इन्होंने रख दिया उधर। या मुर्गियाँ भी निकाल दूँ, मुर्गियाँ भी निकाल दूँ देव भाई? हाँ ये मुर्गियाँ भी निकाल देता हूँ यार। रैबिट को भी आज बाहर निकालते हैं यार। एक मिनट पहले मुर्गियां, चलो भाई सारी मुर्गियां चलो। ओ भाई क्या हो गया तुम्हें, जाओ एट्स आज आज शाबाश आज। आज जल्दी आज भाई, जल्दी आज। चलो जी आ जाओ भाई। हमारा मेल रैबिट भाई रहा ही नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या मसला है। इसको इसको पकड़ के निकालता है। ये वो ये दंदी भी, दंदी भी काटते हैं यार। इसने मुझे भी पहले काटी थी दंदी यार, मेल नहीं आ रहा। वही मैं कह रहा हूँ, मेल रैबिट नहीं आ रहा। ये जी छोटे डॉन की फीमेल अंडा दे रही है। इसने क्या शोर मचाया? चल चल भाई चल, तपाओ वो। यार देखो इसको मैं जरा, क्या शोर मचाया हुआ है। खिलाओ इनको, खाती हैं यार। देखना दंदी ना काट ले, बाहर निकालो देखो इनको, बाहर निकालो। यार वो मेल क्यों नहीं आ रहा भाई, इसे मार हुआ लग रहा है। पकड़ते हैं उसको भी, देखते हैं क्या हुआ। गिरा दिए कल सारी, मैं इसको पीछे करो जरा, मैं मेल को बाहर निकालूं देखूं क्या हुआ है मेल को। पता नहीं मेल बाहर ही नहीं आ रहा, आगे पीछे तो जल्दी जल्दी भाग के बाहर आ जाता है। हाँ भाई क्या हुआ है, क्या हुआ भाई आपको, क्या हुआ है? तुमने बोल ही नहीं रहा कुछ। बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो बाहर चले जाओ ना। बस भाई पकड़ लो इसको, मेरे ख्याल से अभी मार है ये। इनको तो हमने बाहर निकाल दिया। हाँ जी ये अंडा सेव करना है भाई हमने, यार ये तोड़ना नहीं है। वो वाली फीमेल के नीचे रख देते हैं, मैं कह रहा हूँ उसे अंडा देना है। अभी नहीं देना उसने अंडा, जब देगी उसके नीचे रख देंगे। चलो अभी फिलहाल कबूतर वो देखो डब क्या कर रहे हैं। डब मेल और फीमेल,
यार ये वो भी मेल ही है, दोनों मेल हैं। मारू है ना इसलिए उसको मारते रहते हैं बेचारा। इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा और हमारे चूजे भी माशाल्लाह हेल्दी हो रहे हैं। हाँ जी खुजैमा रेशमा को समझा रहा है, मैं देख रहा हूँ काफी देर से उसको समझा रहा है लेकिन रेशमा को ना समझ नहीं आ रही काफी देर से। समझ आती है ना रेशमा को, समझ आ रही है। ओ देखो ये क्या हुआ है, अच्छा उसने पकड़ा हुआ है। रेशमा बाज आ जाओ यार, कहीं भी रख दो इसको, सेव करके रखना है बस ये टूटे ना हमसे। या फिर कव्वा ऊपर से कव्वा उठा के ले गया फिर। चल इसको सेव करके ना आ जाओ इधर, दाना डाल दो दे भाई। मां आपने दाना डालना है यार, वो उसका पैरेट्स का दाना डाल दो दे भाई जल्दी, और डाल दो थोड़ा। खाओ खाओ भाई जल्दी खाओ यार। से भाई उड़ने वाले कबूतर भी हमने और लेके आने हैं। लेकिन ये देखे ना वो उड़ते हैं उनके लोगों के पास होते हैं उड़ने वाले, फ्लाइंग दो दो घंटे उड़ के आते हैं। कौन सा लोगों से बागियां लगानी है, हमने तो भी लॉग करना है, अपने फ्रेंड्स को अपने व्यूअर्स को दिखाने हैं। फैंसी पिजन है हमारे पास, वही हमने रखने हैं। उड़ने वाले हम कौन सा कबूतर पास है जो उड़ने वाले को, वैसे फिर भी उड़ के आए 2-3 घंटे उड़े तो सही। नहीं क्या करना है, उड़ा के ना हमारे पास इतना टाइम होता है कि 2-3 घंटे के पास बैठे रहे बंदा। सही है तो, ये भी बात है सही सही है। हमें शाम को आना होता है, इनको आगे दाना पानी डालना होता है और इनको थोड़ा बहुत उड़ा लेते हैं, ये भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। मैं दाना डाल के आया यार तेरे पैरेट्स को। खुजैमा मुर्गियों को दाना डालने लगा है, असील मुर्गियों को, गोल्डन पफ को ज़ेबई ने डाल दिया है और इन दोनों को भी डालना है। मैं पैरेट्स के पास जाता हूँ, 20 कबूतरी को बाहर निकाल दूँ, ये दाना वगैरह खा लेगी। हाँ ज़ेबई इसको अभी फिलहाल तो निकाल देता हूँ ना भाई, तुमने अंडा देना होगा बाद में दे देना। इसको देख लो पहले, मैं पैट्स के पास देना कोई अंडा। चलो जी ड्रामेबाजियाँ कर रही है हमारे साथ। चलो जी आ गया आपका दाना भाई, आ गया है दाना, आ गया भाई। बहुत मुश्किल से इधर से गुजरा जाता है वो, इसकी वजह से कि इधर स्प्रिंग लगा हुआ है ना, दरवाज़ा वापिस आके ना लगता है। चलो भाई आ गया, सब्र करो, आ जाओ भाई सारे खा लो, भाई सारे खा लो, नीचे भी थोड़ा बिखेर देता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिखेर दिए नीचे, सारे खाओ जल्दी से, जल्दी खाओ जल्दी, सारा डाल दिए, ये लो सारा डाल दिया। दाना खाओ और लवबर्ड का कॉकटेल का तो दाना ऑलरेडी इनके पास है, तो पानी भी है। ये खरगोशनी अंदर आ गई है, खरगोशनी आजो बाहर, आजो आजो बाहर, आजो आजो आजो, चलो बाहर बाहर, चलो बाहर इंजॉय करो। चलो क्या मैंने देखा, ये रैबिट है ना जो ये रेड वाला, ये पहले कोई भी रैबिट इधर आता है इन कबूतरों के पास आता था तो ये कबूतर जल्दी से डर के ना ऊपर चले जाते। ब्राउनी दाना खाई जा रही है, चल वो पाऊँ के नीचे ना दे दे यार कोई कबूतर। वो रैबिट से डर के ना सारे कबूतर उड़ जाते थे, अब सारे कबूतर ना इनमें घुल मिल गए हैं, रैबिट में भी मुर्गियों में भी सारा कुछ। लेकिन अब हमारे पास जो कोई न्यू कबूतर ऊपर से नीचे आता है ना, या तो वो हमारी बकरियाँ देख के डर जाता है या तो फिर हमारी वो मुर्गियाँ देख के डर जाता है। हमारे पिजन्स ना तो अंडे दे रहे हैं कुछ भी नहीं, ना इनके पेड़ लगे हुए हैं। कल इंशाल्लाह जो भाई कह रहे हैं कि हमने इनके पेड़ लगा देने हैं, जो भाई कल हमने ये फाइनली काम कर देना है इनके पेड़ लगा के ना। तो इनको हमने अलसी तो डाली थी लेकिन ये अंडे ही नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है इनका। बोलते तो है थोड़ा थोड़ा, हाँ बोलते भी हैं फिर भी नहीं अंडे दे रहे। ये नहीं पता चल रहा था इनमें मेल कौन सा फीमेल कौन सा, पता चल गया। अब पता चल गया, बोलते हैं सारे ऑलमोस्ट मेल सारे बोलते हैं और इनका हम पेड़ लगा देंगे जो एक जैसे है ना। देखो ये कासिद कबूतर किधर गया, वो है वो है फीमेल है ना, ये फीमेल है। और मेल किधर गया है, मेल 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 यार किधर गया मेल यार। इसको मैंने एक दिन उसके साथ बंद किया था ना, इसकी फीमेल के साथ उसने मारा है इसको मेरे ख्याल से। वैसे ही अंदर आज केज के अंदर लड़ भी रहा था, लड़ रहा था हाँ दूसरे पिजन्स के साथ लड़ रहा था। और यार ये हमारा रैबिट जो है ना फुल
टाइम टेम हो गया, लेकिन मेरे पास अभी इसका चारा नहीं है, मैंने इसको केज में डाल दिया सारा, नहीं तो ये पास आ जाता चारा खाने के लिए। डरते भी नहीं, पहले जब हम लेके आए थे ऐसे लगता था जैसे जंगली है, और डरते थे बड़ा, आगे से मारते थे नाखून वगैरह। कोई नाम बताओ यार, ये अभी बेबीज दे देंगे ना, फिर सोचेंगे उनका बेबीज का नाम रखेंगे, अभी तो इनको रैबिट ही कहते हैं। कबूतर आया, कबूतर, कबूतर, वो इतनी ऊपर से भाई को कबूतर नजर आ गया, उसने कहां पर आना है हमारे पास। जंगली कबूतर आजकल क्या काम करता है, जब शाम होती है ना हम कबूतर बंद करने लगते हैं, तो ये यहाँ पे बैठता है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, फिर ऊपर आता ही नहीं है, फिर हम पता नहीं इसको इतने ना तरीके आजमा लेते हैं, ऊपर नहीं आता है, बहुत मुश्किल से फिर इसको पकड़ के ना नीचे से जाके बंद करते हैं फिर इसको हम। ये डोली तो अकेली हो गई है, हम इसके लिए मेल ला ही नहीं पा रहे, जिस दिन उसका मेल बिल्ली ने खाया था मैंने आपको उसी दिन ही कहा था कि हम इसका मेल ले आएंगे जल्दी से जल्दी, लेकिन कुछ मसरूफियात ही इतनी है काम की कि हम जा ही नहीं पा रहे मार्केट। इंशाल्लाह जल्दी मार्केट जाएंगे और इसका प्यारा सा एक मेल लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। चुंडी को तोड़ा दो, चुंडी चुंडी किधर गई है, चुंडी को पकड़ो, चुंडी को पकड़ो, पकड़ो 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 इसको, पकड़ लिया यार। अब मैं इसको उड़ाने वाला हूँ, ये कमजोर तो बहुत है, जहाँ के दरख्त पे बैठ जाता है जब इसको उड़ाते हैं। चलो जी, वो देखो था, कहा ना मैंने दरख्त पे जाके बैठ जाता है, वो दरख्त पे जाके बैठ गया, क्यूट लगता ऊपर बैठा हुआ, जबरदस्त देखा वो बैठा हुआ, खुद ही आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं कबूतरों वगैरह को, डाकू वगैरह का बंद। यार ये देखो ये गुब्बारे वाला मेल भी मार हुआ है, इसको पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ इसको, पता नहीं क्या हुआ है, क्या हो गया, ओए क्या हुआ है आपको, इधर आओ, उधरा इंजेक्शन लगाओ इसको, ठीक हो जाएगा, इधर आओ। ओए यार इनका भी नाम रखना है कुछ यार, बैलून कबूतर अजीब सा नाम है इनका। तो हमने लगा दी थी, मटकियों में पता नहीं है बैठते हैं कि नहीं बैठते, जल्दी से जल्दी इसमें ब्रीड कर लें और इनके प्यारे प्यारे से बच्चे आए। पानी यार ये तो भूल ही गए हम, पानी डालते हैं यार इनको, डाल दो यार, पता नहीं बेचारे प्यासे हैं। वैसे मैंने इनको दोपहर में थोड़ा सा पानी डाला था पीने के लिए, लेकिन और भी डाल देते हैं इनको, प्यास लगी है यार उनको कबूतरों को, पियो भाई इंजॉय करो। खुजैमा ने ना ये दो बॉक्स उतार के नीचे रख दिए हैं, ये भी टूटना शुरू हो गए हैं, पैरेट्स के हमारे काम ही ऐसे हैं, ऊपर से ना ये अपनी चूँच से उखेड़ उखेड़ के नीचे फेंकी जाती हैं। ये उठा के मैं उधर रख के आता हूँ, इसके ऊपर जा दो से भाई, कौन सा ये वाला तो नहीं खेड़ते देखो यार, ये देखो इसको क्या लग गया, ये ऑरेंज ऑरेंज, ये देखो टाइप है पता नहीं क्या है, इसको उधर साइड पर रख देते हैं। फीमेल रैबिट, ओए मिठू यार ये बहुत प्यारी लगती है यार मुझे, ये देखो कैसे बैठी है, कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, रेड आइज हैं माशाल्लाह। चुन्नू मुन्नू भी आ गई साथ, दूसरी भी आ गई है बाकी अब। चलो भाई चलो भाई चलो, बंद कर दो कबूतरों को, सारे कबूतर अपने अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल शहरी लोग देहाती शो को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।